की फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें भाई, आज एक नई डिश की रेसिपी आपको दिखाने वाले हैं। मेरे छोटे भाई को बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बर्गर बनाया जाए। तो जो है मैंने जल्दी से सारे मसाले ऐड कर लिए। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने ले लेना है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, और हमने ऐड कर लिया है नमक हल्के जायका एज़ पर योर टेस्ट। आप फिर लेकर इसको मिक्स कर लें अच्छे से और इसमें चिकन ऐड कर लें। चिकन पर हम चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और अच्छे से चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर देंगे इस मसाले में और फिर इसके बाद हम इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट होके अच्छे से सॉफ्टनेस आए इसमें और टेंडरनेस आए। लोग मैरिनेशन 2 आवर्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टनेस के लिए और टेंडरनेस के लिए हम लोगों ने इसे पूरी रात रखा है। ये हमने चिकन निकाल लिया जो कि पूरी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम चिकन की कोटिंग बनाने के लिए हम 1 अदद अंडा ले, काली मिर्ची ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून नमक ले लेंगे और फिर हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप मिल्क। उसके बाद हम अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद हम जो है अब हम ले लेंगे मैदा। मैदा हम थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोटिंग हमारी अच्छे से लग जाए। उसके बाद हम डिप करके सारी चिकन को कोट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है तेल को गर्म होने रख देंगे और उसको अच्छे से तल लेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद ये गोल्डन ब्राउन कलर की नज़र आएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। बर्गर सॉस रेडी करने के लिए हम ले लेते हैं मायनीज, चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस, केचप, काली मिर्ची और नमक लेकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बर्गर सॉस हो गया रेडी। अब हम ले लेंगे बन। हमने बन रखा, बन में हमने मेयोनीज डाला, मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड कर लिया। उसके बाद हमने लेटस रखा, चिकन पैटी और हमारी चीज़, और उसके बाद हमने क्यूकम्बर रख दी। बर्गर सॉस अप्लाई करने के बाद हम इसको फाइनल टच दे देंगे और हमारा बर्गर हो गया रेडी। सारे सॉस ऐड करने के बाद और हमने इसको डिश आउट कर दिया। मेरे भाई को तो बहुत ही मज़े का लगा ये खाने के बाद, बहुत ही डिलीशियस, वो और मांग रहा था, उसको बहुत मज़ा आया। चलें अब आपकी बारी है, आप ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बनाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।